धन्यवाद सब आज जी हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ तजिया निगार जनाब राना मोहम्मद अजीम साहब खाने वाल अहमद पर हम इनको खुश आमदीद कहते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा हम मौजूदा हालात पे ही बात करेंगे कि इस हुकूमत क्या कर पाएगी आगे जाके। बेहतरीन काम कर रही है, गुर्बत ख़त्म कर रही है, यानी गरीबों को मार रही है। गरीब मार रही है हाँ तो और क्या करे, ये तो गरीब को रिलीफ देने आए थे, किसी और ने काम किया था नहीं, हमने तो इनकी अच्छी हुकूमत देखी थी। अब क्या हो रहा है इनसे, जिस कौम के अंदर ये आदत हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़े और वो लोग पेट्रोल पंपों की तरफ रुख करें बजाय कि इक्तदार के ईवानों में बैठे अफराद के घरों का गिराव करना चाहिए, जिन लोगों की वजह से ये सारी मुसीबत आई उनके घरों के बाहर एहतजाज करना चाहिए। हम अपनी गाड़ियाँ लेकर चले जाते हैं पेट्रोल पंपों पर, तो फिर इस कौम के साथ ऐसा ही होता है। अभी हाल ही में उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, फिर महंगाई मुका रहे हैं ना, गुर्बत गरीब खत्म हो रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें देखना चाहिए हम किस, हमारी कौम क्या इस इतने महंगे होने पे आज पूरे पाकिस्तान में कोई एक एहतजाज हुआ नहीं, हो रहा किसी की लबकशाई हुई, किसी सियासतदान ने बाहर निकल के बात की, आपने बात की, आपने चौक में टाइट जलाए, मैंने जलाए, ये ना तो फिर हम जब हम अपने अपनी इस मुसीबत के खुद जुम्मेदार हैं। हजरत साले की ऊँटनी के जिन चार लोगों ने काटे थे सिर्फ उनको सजा नहीं मिली थी, पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया था कि वो जुल्म देखकर खामोश थे, उनका कसूर ये था। तो जहन में रखें हम भी जुल्म ज्यादती देखकर खामोश है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें ये ना हो। अच्छा तो अब क्या समझ रहे हैं कि गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई बाहर नहीं निकल रहे, क्यों नहीं पा रहा? आप लोगों को ज़्यादा पा रहा है जिनकी, खासकर जो ज़रात ज़रात से जिनका शोभा है, जब डीजल इतना महंगा हो गया है वो किस तरह चलाएगा, वो जनरेटर, वो आप ट्यूबवेल, बाकी मामला किस तरह करेगा, बे इंतहा फ़र्क पड़ रहा है। मैं वो कहना नहीं चाहता, शायद आपका चैनल बंद हो जाए। जो लेकर आए हैं, जो लेकर आए हैं वो माला माल हैं, जो आए हैं वो माला माल हैं, जो अवाम वो बदहाल है। थैंक यू। नहीं थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद थे राना मोहम्मद अजीम साहब, कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खाने वाल सिटी न्यूज़। और उनका तहे दिल से शुक्र गुजार है कि उन्होंने अपनी गुना को मसरूफिया से अनशेड्यूल हमें टाइम दिया, यहाँ तशरीफ लाए। तो आपकी जो सहाफ़ियों के लिए जदोजहद है वो किसी से ढकी चुपी नहीं है। हमारे लीडर अंजुम बशीर अहमद साहब की क्यादत में सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम 1985 से यहाँ काम कर रहा है और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। हमें खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे दोस्त भी आपके काफ़िले में शामिल होने के लिए बड़े अच्छे से मुत्तहिद है। तारिक शहजाद साहब, राव सलमान साहब, इन्होंने हमें मोटिवेट किया है। इशफाक साहब हैं और सजाद शाह साहब हैं और हमारे दोस्त हैं शाह साहब हैं। तो हम तमाम दोस्त आपकी शायान शान एक तकरीब करके यहाँ बाकायदा जो है ना आपके काफ़िले में शामिल होंगे ताकि सहाफ़ियों के फलाह जदोजहद में हम भी शामिल हों। तो मैं आप बारे दिगर फिर आपका तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हम मुंतज़िर रहेंगे कि जब भी आपका आइंदा शेड्यूल हो आने वाले में तो सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम आपके एजाज़ में एक तकरीब मुनाकिद करेगा जिसमें ज़िला खाने वाल के PUFJ के तमाम मेम्बरान को हम और मेम्बरान को दावत देंगे। तो उसमें हम बाकायदा आपके काफ़िले में शामिल के ऐलान करेंगे।